हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज मेरे लिए बहुत खुशी का बात है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे कुछ देर पहले अमेजन से कॉल आया है, मैंने एक एक्शन कैमरा कुछ दिन पहले बुक किया था जो अब आ चुका है। तो मैं अब रिसीव करने जा रहा हूं और आपको उसका अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा कि कैसा है वो एक्शन कैमरा। क्योंकि यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाना शुरू करता है तो उसका सपना होता है कि उसके पास एक कैमरा हो, एक अच्छा मोबाइल हो। मेरे पास उस समय ना अच्छा मोबाइल था ना कैमरा था, और मैंने अब एक कैमरा बुक कर लिया है। YouTube पे सबसे ज़्यादा वो कैमरा यूज होता है YouTube ब्लॉग बनाने के लिए, मोटो ब्लॉग बनाने के लिए। तो उसका अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसा है वो नहीं है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले कैमरा रिसीव करते हैं, फिर आपसे आगे बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब जो ड्रीम कैमरा था एक हर ब्लॉगर, एक हर यूट्यूबर के लिए जो एक ड्रीम कैमरा होता है वो गोप्रो ही होता है। वो चाहता है हमेशा एक गोप्रो उसके पास रहे, चाहे वो कोई भी सीरीज हो गोप्रो का। इसको अब ओपन करेंगे और दिखाएंगे कि क्या सब आया है इसके साथ। इसका इंतज़ार तो अरसों बरसों से था। फिलहाल इसके पैकेट का पोस्टमार्टम करके ये रहा इसके अंदर एक और मोटा सा परत। इसका भी छोटा सा चीरा लगाने के बाद करेंगे हम इसका उद्घाटन कैंची से। चलिए भाई, पैकेजिंग तो है तगड़ा, आ रहा है दिक्कत खोलने में। बाकी अमेजन का पैकेजिंग ठीक ठाक रहता है। कैमरा आया काफ़ी दूर से, टाइम लगा दिया डिलीवरी करने में। उम्मीद था कि दो दिन तीन दिन काफ़ी लगेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम ऐसा कुछ दिख रहा है। GoPro कैमरा का ये डब्बा, इसको ओपन करके दिखाएंगे कि अब इसके अंदर क्या क्या मिलता है। बाहर से आप देख लीजिए कैमरा कितना है, 27 मेगापिक्सल दिखा रहा है। 5K+ पे ये रिकॉर्डिंग करेगा, वाटरप्रूफ होता है, वॉइस इसका अच्छा से कंट्रोल हो जाता है, बाकी टाइम लैप्स से लेके सब कुछ इसमें है। तो इसका पूरा रिव्यू वीडियो हम आपको दिखाएंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे अगर पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं, अगर नए हैं तो ये पहला वीडियो आपके लिए होगा। बाकी पुराना वीडियो सब मोबाइल वाला देख लीजिएगा। देख लीजिए कुछ ऐसा डब्बा है जिसमें ये GoPro ऊपर से लिखा हुआ है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक जो ब्रांड होता है वो फील आ रहा है कि एक ब्रांड का है। और इसको जैसे ही ओपन करेंगे सामने ये हुआ प्रकट GoPro का पूरा सिस्टम। तो यहाँ रहा एक केबल, इसके साथ ये रहा एक छोटा सा जो बैटरी है। तो ये है कि पुराना वाला जो GoPro था उसमें बड़ा सा बैटरी था, इसमें छोटा बैटरी है। लेकिन इसका बैटरी बैकअप बताया गया है कि थोड़ा बढ़ा दिया गया है जो पहले के मुकाबले। GoPro का हीरो 10 था, ये GoPro का हीरो 11 सीरीज है। बाकी अब इसका आगे छोटा सा जो ये सब माउंट करने वाला होता है, ये पार्ट सब, वो छोटा छोटा पार्ट सब है। और इसको फिर हम ओपन करेंगे तो यहाँ भी देख लीजिए, तो एक फोम है उसमें रखा गया जिससे कैमरा का कोई नुकसान ना हो और सही सलामत ये कस्टमर के पास पहुंच जाए। बाहर से कुछ ऐसा ये इसका लुक है। इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद दिखाते हैं कि कैसा इसका। तो लीजिए, फीता न काट के, फीता हटा के इसका उद्घाटन कर दिए हैं। अब यहाँ से होगा श्री गणेश, जगह जगह पे प्रोटेक्शन दिया गया है। यहाँ से देख लीजिए भाई, एक बाहर से ये स्क्रीन है जहाँ अब रिकॉर्ड होगा तो वो दिखेगा। और ये रहा सामने कैमरा का लेंस, यहाँ से आप रिकॉर्ड होगा, यहाँ आदमी का चेहरा जो लेंस पे रहेगा। बाकी रिकॉर्ड होने के बाद इस पे आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप रिकॉर्ड कर क्या रहे हैं, वो सामने भी दिखता रहेगा रिकॉर्डिंग टाइम में। लेकिन अब स्टिकर हटाते हैं और बैटरी लगा के फिर इससे रिकॉर्ड करके देखते हैं कि कैसा इसका कैमरा क्वालिटी है। जैसा अभी तक मैंने रिव्यू देखा है, ओवरऑल सबका रिव्यू वीडियो मैंने दो तीन रोज से देख के ये कैमरा परचेज किया था। ऑनलाइन लेने पे इसका प्राइस थोड़ा सा डाउन है। मुझे टोटल सब कुछ मिला के
42-43 हज़ार रुपये पड़ गया था। तो अभी लेटेस्ट सीरीज है ये GoPro Hero का, ज़्यादा पुराना है नहीं, लेटेस्ट में भी ज़्यादा नया नहीं है तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ऑलमोस्ट एक साल हो गया है इसका लॉन्च किए हुआ। और कंपनी इसमें कुछ बदलाव किया है, ये देख लीजिए सामने ये रहा जहाँ से आप माउंट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब बैटरी लगाते हैं और इसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ तक तो हो गया लेकिन ये तो ससुरा खुलिए नहीं रहा। वीडियो कहीं ख़राब हो गया तो ये 45,000 का कैमरा है तो हम जज्बाती में बोल दिए 42-43 हज़ार, लेकिन है तो 45,000 का। हमारे कुछ रिश्तेदार हैं ना, उनका हाँ वही जलेगा जो समझ रहे हैं। लैंग्वेज इंग्लिश, ये हो चुका है अब ये ऑन। और यहाँ कुछ सेटिंग है, सेटिंग्स करने के बाद दिखाएंगे हम आपको कि इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है। बाकी बाहर से तो देखने में अभी तक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, जैसा कि GoPro होता है सेम वैसा ही है, कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं इसमें। तो देखिए अब इसका रिकॉर्डिंग कैसा आता है। बाकी कुछ सेटिंग्स है, सेटिंग्स करने के बाद ही आपको अच्छे से मैं दिखा पाऊंगा कि इसका। तो ये सामने देख लीजिए, ये GoPro है, कैमरा में आपको दिख रहा होगा, अभी मैं GoPro से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और क्वालिटी तो इसका बहुत बढ़िया है, ओवरऑल जो भी इसका मैंने सुना था वो सही सुना था। 14% बैटरी है तो घंटा बज रहा है यहाँ बैटरी का चार्ज में लगाने के लिए। बाकी जो भी अब आगे वीडियो आएगा वो इसी GoPro से आएगा। तो अभी हम आ चुके हैं आउटडोर में, और आउटडोर में अभी हाइपर व्यू पे रिकॉर्ड हो रहा है। हाइपर व्यू पर कुछ इस तरीके से आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि अभी मैं दरभंगा रेलवे स्टेशन पर, लेकिन हाइपर व्यू पे आप देख लीजिए तो कितना कर्व दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है रेलिंग लगा हुआ है तो स्ट्रेट, लेकिन ये कर्व दिखता होगा। और मेरे पीछे का बैकग्राउंड आपको कुछ इस तरीके से, जितना भी पोल लगा हुआ है सब आपको तिरछा तिरछा थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा दिखता होगा। और देख लीजिए सनसेट यहाँ हो रहा है दरभंगा जंक्शन पे, तो हाइपर व्यू का कुछ ऐसा सीन है। बाकी 5 मोड है GoPro Hero 11 जो है ब्लैक, इसका 5 मोड है, उसका एक मोड ये हाइपर व्यू है। तो हाइपर व्यू पे ऐसा कुछ ये सीन रिकॉर्ड करता है। और दूसरा मोड अब चेक करते हैं उसमें किस तरीके से आता है, फिर चलिए चेक करते हैं। अब जो रिकॉर्ड हो रहा है वो सुपर व्यू पे रिकॉर्ड हो रहा है। सुपर व्यू पे मेरे बैकग्राउंड में फिर वही दरभंगा जंक्शन है, लेकिन अब इधर आपको कुछ दिख रहा होगा, जो जितना हाइपर व्यू पे रिकॉर्ड कर रहा था, बैकग्राउंड कैप्चर कर रहा था, उतना तो कैप्चर नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये सुपर व्यू पे अब अगर इधर से देखिए, मैं अब कैमरा रोटेट कर दिया मैंने, तो बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ भी कैप्चर कर रहा है। हाइपर व्यू पे कुछ ज़्यादा कैप्चर कर रहा था ये मोड। आप उस जहाँ मतलब पहाड़ी इलाके पे कहीं घूम रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आपको बैकग्राउंड दिखाना है और फोकस आप पे ना रह के बैकग्राउंड में जो एरिया है उसको आप ज़्यादा दिखाना चाहते हैं ऑडियंस को, तो आप सुपर व्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी हाइपर व्यू पे काफ़ी ज़्यादा एरिया कैप्चर करता है, तो मेरे ख्याल से हाइपर व्यू बेस्ट नहीं है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, अगर कहीं और पहाड़ी इलाके में घूमते हैं तो आप हाइपर व्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज सुपर व्यू। और एक और मोड है जो स्टैंडर्ड मोड GoPro के लिए है। तीसरा कौन सा मोड है वो चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि तीसरा मोड में कैसा आ रहा है। अब जो आप देख रहे हैं ये वाइड एंगल पे रिकॉर्ड हो रहा है। वाइड एंगल एक स्टैंडर्ड मोड माना जाता है ब्लॉगिंग के लिए, तो इस पर ना ज़्यादा बैकग्राउंड आपका ज़्यादा कैप्चर करता है, ना आपका चेहरा पे हमेशा फोकस रहता है, जो आप दिखाना चाहते हैं बैकग्राउंड में एरिया भी आ जाता है वो। और काफ़ी ज़्यादा पीछे एरिया है लेकिन आपको उतना पता नहीं चलेगा जितना हाइपर व्यू पे सुपर व्यू पे दिखता होगा। यहाँ आप अगर मैं कैमरा रोटेट कर दूँ तो आप देख लीजिए, तो वाइड एंगल पे भी थोड़ा सा आपको ये जितना भी पोल है वो दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा टेढ़ा, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड मोड है। अगर मैं इसको लेकर चलूँ तो इसके अपोजिट देख लीजिए तो सनसेट हो रहा है, तो वहाँ कुछ ऐसा है। और अभी अगर मैं सामने आ जाता हूँ तो मेरी रोशनी कैसा दिख रहा है, तो ज़्यादा मैंने सेटिंग्स किया नहीं, अभी 4K पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 4K पे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये वाइड एंगल पे रिकॉर्ड हो रहा है। बाकी तीसरा मोड, पहला जो हाइपर मोड था, सेकंड जो था वो सुपर मोड था, और थर्ड जो है वाइड एंगल है, और चौथा कौन सा मोड है वो मैं अब दिखाता हूँ रिकॉर्ड करके। अब जो रिकॉर्ड हो रहा है वो लीनियर मोड पे हो रहा है। लीनियर मोड आप बोल सकते हैं जैसे एक नॉर्मल फ़ोन का कैमरा होता है उसके जैसा ही होता है। इसमें ज़्यादा आपको ना बैकग्राउंड आएगा, ना आप सिर्फ चेहरा दिखेगा, जो एक नॉर्मल फ़ोन होता है उसी के जैसे ये रिकॉर्ड करता है। और इसमें अगर देख लीजिए तो आपको अंतर पता चल जाएगा जितना हाइपर व्यू पे, सुपर व्यू पे और वाइड एंगल पे कैप्चर कर रहा था उतना मेरे पीछे भी देख लीजिएगा उतना नहीं कैप्चर कर पा रहा है, लेकिन इतना ज़रूर कैप्चर कर पा रहा है कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आप बैठ के वीडियो बना रहे हैं तो आप लीनियर मोड में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।
अब जो ये रिकॉर्ड हो रहा है वो लीनियर प्लस होराइजन लॉक पे रिकॉर्ड हो रहा है, और इसमें आप देख लीजिए तो आपको ज़्यादा कोई अंतर दिखेगा नहीं। बैकग्राउंड में फिर वही दरभंगा जंक्शन दिख रहा है, और मेरे पीछे देख लीजिए तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। लेकिन लीनियर प्लस होराइजन में आपको ज़्यादा सा कोई अंतर, जैसे हाइपर व्यू था, सुपर व्यू था, वाइड एंगल था और लीनियर था, और लीनियर प्लस जो होराइजन लॉक है इस पर ज़्यादा अंतर है नहीं। बस अंतर क्या है सो मैं बता रहा हूँ। अब जैसे ये बैकग्राउंड है और मैं अभी GoPro को पूरी तरीके से रोटेट करूँगा, लेकिन आपको 360 डिग्री पर रोटेट करने पर भी कोई फ़र्क आपको वीडियो में नहीं पता चलेगा। तो सेम चीज़ पर रिकॉर्ड हो रहा है और लीनियर मोड पर ये ही खासियत है कि अगर आपको ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं लेके अगर चलते भी हैं तो 360 डिग्री भी आप रोटेट कर देते हैं तो आपका वीडियो स्टेबल रहता है। अब चेक करेंगे वीडियो का जो स्टेबलाइजेशन है उसको, चेक करेंगे कि अगर आप लेके दौड़ते हैं तो कैमरा शेक करता है या नहीं शेक करता है, तो जिसके लिए जो GoPro जाना जाता है स्टेबिलिटी के लिए, तो कितना स्टेबल रहता है वीडियो वो आप चेक करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। अब स्टेबलाइजेशन को चेक करते हैं, तो अभी जो देख लीजिए पीछे ये सीढ़ी है और सीढ़ी पे मैं चल रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो के स्टेबिलिटी से पता चल रहा होगा कि वीडियो कितना ज़्यादा स्टेबल है। और मैं नीचे जाके फिर से रिपीट करके सीढ़ी से दोबारा ऊपर आऊँगा तो थोड़ा सा आपको अंतर दिखता होगा। अब देख लीजिए पीछे ये फिर दरभंगा जंक्शन है और मैं इसको लेके अब दौड़ने वाला हूँ, तो वीडियो स्टेबल है या नहीं है वो आपको इसमें पता चल रहा होगा। तरीके से वीडियो आता है GoPro का वो आप सबको मैंने दिखा दिया। अभी मैं वाइड एंगल पे शूट कर रहा हूँ, और आपको कैसा लगा ये GoPro का रिव्यू और इसका क्वालिटी कैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई एडिट नहीं करने जा रहा हूँ। इसमें जो माइक यूज हो रहा है थोड़ा बहुत मैंने इसमें सेटिंग्स किया है, क्योंकि 5K पे ये सपोर्ट नहीं लेगा, तो 4K प्लस 30 FPS पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको कैसा लगा इसका रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग तो कैमरा बहुत शानदार है ब्लॉगिंग के लिए, चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो या मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो या डेली ब्लॉगिंग कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो उसके लिए बहुत अच्छा है। और मुझे ये कितना पड़ा आपको अब मैं बता रहा हूँ। इस कैमरा का मुझे टोटल अगर अमेजन से मैंने बुक किया है तो एक क्रेडिट कार्ड लगा के उसमें ये मुझे 45,000 करीब पड़ा है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।